सो गाइस वेलकम इन नेक्स्ट व्लॉग। और ये व्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ना अगले व्लॉग में ना मेरे पास स्टोरेज तो बहुत है, बट क्या कह सकते हैं हम इन द सेंस कि यार मैं एडिटिंग करने में टाइम लगेगा और अभी मैंने घर में भी जाना है तो रास्ते में ट्रैवलिंग भी है। और अभी आप देखोगे ना बहुत तगड़े व्यू आ रहे हैं नीचे को, मैं दिखाता हूँ। वो देखो जाने को तो हमें बहुत टाइम लगा था, आने को आई होप कम ही टाइम लगे क्योंकि इतना टाइम नहीं लगेगा। और ये देखो ये स्नो ही है, ब्लैक स्नो बन चुकी है। तो मैं सारों को सजेस्ट करता हूँ कि ऐसे रूट से ना जाओ, जो रूट थोड़ा प्लेन है वहाँ से जाओ क्योंकि ये पत्थर है और इन पत्थरों का कोई पता नहीं कब स्लिप हो जाए। तो हम धूप धूप में 2 बजे वापस जा रहे हैं, होप करते हैं हम 4 बजे तक नीचे पहुँच जाएँ, ऐसा होप है हमारा। ठीक है, तो अगर हम 4 बजे तक पहुँच जाएंगे तो हम घर भी जल्दी निकल जाएंगे। बाकी आपको और अच्छे व्यू होंगे तो दिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है बाय। अभी जो आ रहे हैं हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं, भाई चल जो पास में रह गया अब 10 मिनट का रास्ता। पता है यहाँ के जो गाइड भी है ना उनके भी ना नाक लाल से हुए होते हैं क्योंकि वेदर वेरिएशन है ना। अभी नीचे यहाँ पे होली होली करके गर्मी हो रही है। अभी हमने त्रुंड ट्रैक भी कर लिया है कवर, इस ट्रैक का नाम था त्रुंड। और अभी हम वापस जा रहे हैं, वापस जाने में ना पैरों में थोड़ी शिवरिंग हो रही है, क्यों? क्योंकि रस्ते में ना पत्थर ही पत्थर है और पत्थरों में जब पैर डलता है ना तो वो चुभते हैं, तो चुभने के कारण ना चुभ रहे हैं वो। आधे लोग तो यहीं से नीचे जा रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत दिख जाएगा तो वो बस चल जाएंगे, पूरा त्रुंड तक नहीं जा रहे। त्रुंड से ऊपर भी था जो हम नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, हम गलत टाइम पे चले थे। त्रुंड से ऊपर है स्नो लाइन, स्नो लाइन में भी हम जाना था बट आधे लोग बीमार हो गए। इधर की ना आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, अच्छी नहीं बुरी बात बताता हूँ। ट्रैक तो बहुत अच्छा है जिन्होंने ट्रैक करना है, पर बात यह है कि इन्होंने ना यहाँ पे जो यहाँ के ट्रैवलर है ना वो बंदे ना चलाक हैं थोड़े से। वो क्या करते हैं रूट किसी को पता ना लगे, सिर्फ उनको पता लगे, इसलिए उन्होंने ना यहाँ पे आसपास जितने भी पत्थर हैं ना देखो किधर भी कहीं पे भी निशान नहीं लगाया ताकि पता लगे कि यह ट्रैक है यहाँ से ऊपर जाना है, तो उन्होंने निशान नहीं लगाया हुआ। उनको खुद को एस्टिमेट है कौन सा कहाँ को जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ उनकी थोड़ी मेरे को गलत सी लगी क्योंकि ऐसे तो जो बंदा जैसे हम ट्रैक पे आए हैं तो ये वाला ट्रैक ऐसे कोई जा नहीं सकता। हमारे साथ तो आगे आगे गाइड्स चल रहे थे, गाइड्स के साथ साथ हम चल गए तो चल गए। सो गाइस इधर थोड़ा सा ना पत्थरों पे मार्किंग होनी चाहिए थी जहाँ से पता लगे ये ट्रैक है, और गाइड पैसा कमाने के लिए ना मार्किंग नहीं करते। हाउ मच डेज यू स्पेंड इन इंडिया? Wow. You have the garbage? Mm-hmm. This is the garbage? Okay. Give me this one. Okay, I'm carrying it. Okay. He told that his mother and brother is also living in Paris. Yes. Yeah. Understanding little more words in Hindi, hai na? मैनेजमेंट रूल्स हैं। और अभी नीचे हम आ गए, बस थोड़ा सा यहाँ से 1 किलोमीटर है ट्रैक खत्म हो जाएगा और टाइम हो रहा है हमारा, ये देखो 5 यहीं बच गए, ये देखो 5 बज गए। ये बैटरी कम हो रही है क्योंकि मैं गाने सुन रहा हूँ ना, तो अगर बनेगी वीडियो तो बनाऊँगा नहीं तो GoPro से बना लूँगा। और क्या है, और फ़ोन बाइक पे चार्ज लगा लूँगा, थोड़ा सा मेरा फेस रेड सा हो रहा है क्योंकि गर्मी लग रही है, उतर तो थोड़ी थोड़ी गर्मी है, ऊपर बहुत ठंड थी। तो गाइज मिलते हैं आपको बाइक पर, मैं चलता हूँ। ये थोड़ी गाइडलाइंस है वो भी लिखा है, वीडियो पोज करके देख लो, हमारे पास टाइम नहीं है। और बाइक यहीं तक आती है, इससे ऊपर कोई बाइक नहीं जाती क्योंकि ट्रैक ही नहीं है। और ये देखो ये वाले शूज़ कामयाब है,
तो बाइक हमारी वहीं पे लगी है, देखते हैं अब। सो गाइस ये टैक्सी स्कूटी है और अब हम अपनी बाइक ले ली हमने और हम जा रहे हैं। और वो देखो गौतम बुद्ध के जो भक्त होते हैं इनको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे टैक्सी स्कूटी भी चलती हैं, जैसे एक बंदे को नीचे जाना है तो अकेले उसके लिए, पर यहाँ जो भी टू व्हीलर या फोर व्हीलर चलता होगा उसकी ना गाड़ियों की सर्विस करानी की बड़ी लोड़ पड़ती होगी, पर वहाँ यहाँ पे सर्विस निकल जाती है क्योंकि कॉस्टली है ट्रैवलिंग। और अभी हमने ले लिया, अब चलते हैं, देखते हैं जहाँ हमें अच्छी जगह खाना मिलेगी वहाँ पे हम खाएंगे। लोग अभी भी जा रहे हैं पर कहाँ पे जा रहे हैं नहीं पता, रोड बहुत गंदा है। सो गाइस अभी हम ट्रैक ख़त्म करके चल पड़े हैं, बाइक ले ली है और अभी साफ रास्ता आ गया। अब थोड़ा भगाते हैं आगे जाके, फिर खाएंगे रोटी छोटी। भगाना इन द सेंस जितना टाइम लगेगा उतना ही लगेगा, ज़्यादा भी नहीं भगाएंगे हम, आराम आराम से चलेंगे क्योंकि अभी हमारे पास रात पड़ी है। क्योंकि पीछे वाला हमारा बंदा बेशरम है, उसने ना बाइक चलानी है ना कुछ, कान खाते रहना, उसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पा रहा प्रॉपरली। तो अभी आपको आगे जाके मिलते हैं कहीं पे। तो गाइस अभी हम धर्मशाला से बाहर आ गए हैं और अभी चलते हैं टूवर्ड्स जो पॉइंट है, मुझे पॉइंट पता नहीं, गूगल मैप को सारा पता है क्योंकि मैं अभी इधर ज़्यादा घूमा नहीं हूँ। तो अब ये तो सारा धर्मशाला ही है, लोकल मार्केट है और भी बहुत कुछ है यहाँ पे, डिस्पेंसरी वगैरह भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, सिविल हॉस्पिटल वगैरह सारा कुछ ही है। तो अभी हम चलते हैं, ये रहा सिविल हॉस्पिटल, चलो बाकी आपको आगे जाके मिलते हैं पार्क कैफे। तो गाइस इतों ही असीं धर्मशाला नूं बाय बाय करते हैं, थैंक्स फॉर विजिट, ओके बाय बाय धर्मशाला। बस आ गई जी ऊना नंगल, हाय हाय हाय। और गाइस इधर से हमीरपुर 80 किलोमीटर आ रहा है, कौन सी जगह है ये, कौन सी जगह पता नहीं लग रहा, करते। तो यहाँ पे मेरे ख्याल पिंकी पाजी रहते हैं हमारे, वो है जगह, घर वाले तो पिंकी पाजी कहते हैं, पता नहीं वो, मेरे ख्याल मुझे याद आ रहा है एक बारी हम राहुल मामू के साथ, मैं अपने एक मामू के साथ आया था तो यहाँ पे ही हम उनसे मिले थे और उनका घर इधर ही कहीं हट जा ताऊ बाबरे। चलानी परवाई पहुंच गए हैं, चलानी पता नहीं क्या कहते हैं, तो ऐसे ढाबे च रुके हैं रोटी खान एंड बाकी सारे मुँह धो रहे हैं, वॉशरूम वुशरूम गए हैं, मैं मुँह धो लिया ताही मैं बड़ा गोरा जहा लग रहा है, रस्ते से मिट्टी बहुत सी, तो हूँ मैं पूरा ऑल क्लीयर, हूँ अभी रोटी खाते हैं, रोटी से दस दें कि है बनाया। तो चिंतपुर्णी असं मत्था नहीं टेक सकते, चिंतपुर्णी जाते वे भी जल्दी जल्दी से चल गए, आते वे भी असी किस दिन स्पेशल आऊँगे। रोटी आ गई है, रोटी ख़त्म हो गई है, रोटी ख़त्म हो गई अपनी, चले अब हम। और ये देखो कितना हमने सामान खोल लिया, फ़ोन पावर बैंक पर अभी चार्जिंग पर लगाया, और ये हमारे पंजाबी ढाबा है हमारा श्री पंजाब वैष्णो ढाबा, इधर हमने रोटी खाई है ना, तो बहुत अच्छी रोटी है। माता भी आ गई हैं, ये बसा खड़ी हैं और लिमिटेड बसा आ गई हैं, और जय माता चिंतपुर्णी दी। और आगे अपनी गड्डी चली है, चलो तो गाइस अभी हम ओवरटेक करना सिखाएंगे आपको बाइक पे, बहुत आसान है पर बाइक वाले को थोड़ा सा डर करना पड़ता है, बताओ करें कि नहीं। हाँ चल चल गाड़ी चला, ये देखो ऐसे ओवरटेक करके, मेरी जो लाइट्स है ना बाइक की वो देखो सबसे अलग सी है, पीली सी ਕਰਦਾ ਤੰਗ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਬੱਲੀਏ, ਕਰਦਾ ਤੰਗ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸ ਬੱਲੀਏ, ਕਰਦਾ ਤੰਗ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸ ਬੱਲੀਏ।
तो गाइस रामा मंडी आ गए हैं, वेलकम टू जलंधर। और हमारी गाड़ी डिस्चार्ज हो गई है, नहीं तो मैं आपको बता देता टाइम क्या हुआ है। टाइम हमें कुछ नहीं पता, अराउंड 9:30 बज रहे हैं, 9:30 नहीं 9:40 लोकल ही सर। हाँ जी हाँ, तो आर्मी वालों ने कहा कैमरा बंद करने को। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग और वीडियो, जब हम जाएंगे या फिर कोई टूर वगैरह निकालेंगे तब का। तो अभी तो हम फ्री हैं, आपके घर से फोन आ रहा है, तो बाद में आपको मिलते हैं। और ये व्लॉग मैं पता नहीं कब तक एडिट करके डालूँ, अगर मैं एडिट करके डालूँ तो इसका मतलब समझ लेना कि मैं फ्री हो गया हूँ।